हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेश बर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 से हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 4, गुजरात से आया पत्र। मतलब गुजरात से किसी ने किसी को लेटर लिखा है। उस लेटर के अंदर हमारे देश को एकता के सूत्र में जो बांधने वाले लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, मतलब जो सबसे ऊंची मूर्ति है, उसके बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। लेटर में सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, तो उसने अपनी एड्रेस लिखा है, जिला है नर्मदा, गुजरात, तारीख 20 अक्टूबर 2020, मित्र का नाम है गौरव, मधुर स्मृति। आइए रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि पत्र मैं तुम्हें कहाँ से लिख रहा हूँ? सही पहचाना, गुजरात से वो एक लेटर लिख रहा होता है। दशहरी की छुट्टियों में हम सबको मामा जी ने गुजरात बुलाया, मतलब वो मामा जी के घर आया है। मैं, माता पिता और छोटी बहन निकी गुजरात के नर्मदा जिले में आए हैं। मेरे मामा जी का ऑफिस भी गुजरात के नर्मदा जिले में ही है। 4 दिन की छुट्टी ले ली है। हम सब पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने वाली प्रतिमा, मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गए। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, मतलब वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी लंबाई 182, मतलब 182 मीटर, लगभग 597 फीट की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, मतलब फर्स्ट उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की समर्पित एक स्मारक है, मतलब एक स्टैच्यू है वो। इस स्मारक का निर्माण सरदार सरोवर बांध 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु वेट नामक स्थान पर हुआ है, जहां पर ये मूर्ति बनी है। उस जगह का नाम है साधु वेट, जो नर्मदा नदी पर स्थित एक टापू है। इसके निर्माण कार्यो के आधारशिला अक्टूबर 2013 में रखी गई थी। इसको पूरा होने में कम से कम 5 साल लगे और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पे किया। इस मूर्ति के बारे में कुछ ऐसी सी बातें जो हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग इस चैप्टर से जानते हैं। पहला है, इस प्रतिमा को बनाने के लिए देश भर में जितने भी पुराने और बेकार औजार हैं, उन सबको इकट्ठा किया गया और लाखों गांवों से कई हजार मीट्रिक टन लोहा इकट्ठा किया गया, तब उसको बनाया गया। इस प्रतिमा के निर्माण में 4 धातु लगे हैं, जिनमें से जिंक, लेड, टिन भी शामिल है। 85% तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इन चारों धातुओं के मिश्रण के बाद कई सालों तक यह प्रतिमा खराब नहीं होगी, मतलब इसमें इतना लोहा डाला गया है कि बहुत साल तक यह स्टैचू बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और साथ ही सबसे कम समय में बनने वाली विशालतम प्रतिमा भी है। इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस प्रतिमा को बनाने में तकनीक और डिजाइन का बहुत ध्यान दिया गया है। इसमें अगर भूकंप भी आता है, आंधी तूफान आता है, तो इस प्रतिमा का कुछ भी नहीं होगा। इस प्रतिमा का निर्माण रामवीर सुतार की देखरेख में हुआ है। देश विदेश में अपने शिल्प कला का लोहा मनवाने वाले रामवीर सुतार का 2016 में उनको भारत सरकार से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, मतलब इसको रामवीर सुतार ने बनाया है। इतना ही नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट भी लगा है, मतलब इसमें लिफ्ट भी है। यह लिफ्ट उसकी प्रतिमा की, मतलब चेस्ट, छाती तक पहुंचती है और वहां से खड़ा होकर हम नर्मदा नदी को अच्छे से, सुंदर से विहग दृश्य देख सकते हैं। इसमें लेजर लाइटिंग भी की गई है, जिसे रात के समय में एक अलग ही अच्छी सी रौनक भी इसमें दिखाई देती है। इस प्रतिमा के समक्ष हम एकदम छोटे छोटे जीव, मतलब हम लोग जब खड़े होते हैं ना, तो एकदम छोटे छोटे लगते हैं। इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। घर लौटे तो हम बुरी तरह से थक चुके थे। रात को मामा जी ने मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में बहुत सारी बातें भी बताई। कल हम सब गुजरात के किसी और जगह पर घूमने जाएंगे। तुम्हें भी जब भी मौका मिले तो गुजरात आना और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन अवश्य करना। पत्र के बाद प्रतिमा भी कुछ चुनी हुई चीजें भी तस्वीरें भेज रहा हूँ। आशा है तुम्हें पसंद आएगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहिए। तुम्हारा मित्र, पुत्र का नाम है पुलकित। ये लेटर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में इसमें बताया गया। अच्छे से रीड करिएगा और आप भी कभी गुजरात जाए तो यहाँ पे जरूर जाइए।